दस पुत तेरा हेड डॉन का चंगा बड़ा हसदा सी मौन कास्तो जेड़े दरवाजे उत्ते बोर चक्की खड़े आ मैं चंगी बड़ा जानता है कौन कास्तो कई इथे चांदी चमकाना चाहते ने हथ फड़ तेनू थले लाना चाहते ने कुछ इथे आए ने गे भुखे फिल्म दे मुसीबत ना मरदा ते पैंदी रहिंदी ए दबी ना तू दुनिया सवाद लैंदी ए नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ते मिलू 295 करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी जोरदार तालियां हो जाने से छोटे। आज की वीडियो में आपको सिद्धू मूसेवाले के भतीजे की कंडीशन के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आप सब इस बच्चे को जानते ही होंगे और इसकी वीडियोस आप सब ने देखी होंगी, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बताती चलूं कि ये बच्चा सिद्धू मूसेवाला का भतीजा है। और सिद्धू मूसेवाला और इसके बॉन्ड के बारे में तो आप सब जानते हैं और बहुत सारी दोनों की वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। दोनों बहुत ही स्पेशल बॉन्ड शेयर करते थे और ये बच्चा सिद्धू मूसेवाला के बहुत ज्यादा क्लोज था और सिद्धू मूसेवाला भी इसे अपने बेटों की तरह ही चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला अपने इस बेटे की अभी से ट्रेनिंग कर रहे थे और ये भी सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और बहुत अच्छा गा भी लेता है। सिद्धू मूसेवाला के साथ इसकी बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हो चुकी हैं, लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद ये बच्चा बिल्कुल चुप होकर रह गया है। ये बहुत ही शरारती बच्चा हुआ करता था और बहुत सारी शरारतें और नटखट मस्ती करता रहता था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद ये बिल्कुल चुप होकर रह गया है और बहुत ज्यादा रोता है और सिद्धू मूसेवाला को याद करता रहता है कि सिद्धू मूसेवाला कहाँ चले गए। उनके साथ वो खेलने को मिस करता है और वो चाहता है कि वो फिर से उनके साथ मिले। इसी बच्चे की रोते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि ये बच्चा रो रहा है और ये बच्चा कह रहा है कि वो सिद्धू मूसेवाला से मिलना चाहता है और सिद्धू मूसेवाला को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ऑल्दो सिद्धू मूसेवाला तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम ये आशा करेंगे कि ये बच्चा बड़ा होकर सिद्धू मूसेवाला जैसा बने, उनके जैसा सच का सामना करने वाला, सच बोलने वाला और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने वाला बने और उन्हीं के जैसे एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा सिंगर बने। लेकिन इस बच्चे की कंडीशन देखकर हमारे दिल भी खून के आंसू रो रहे हैं और हम चाहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को बहुत जल्दी इंसाफ मिले ताकि ये सब जो कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं ये सब भी क्लियर हो और सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स और इस बच्चे को और सिद्धू मूसेवाला के सभी चाहने वालों को सुकून मिल सके। आप इस बच्चे को क्या विशेष देना चाहेंगे हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।